दोस्तों किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक गरीब किसान के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। कड़ी मेहनत करके पैसे जुटाकर उसने वो बैल खरीदा और वो बैल को जब वापस ला रहा था तो उसे रास्ते में चार लड़के मिले। चारों ने उस किसान से कहा, क्या तुम अपना ये बैल हमें बेचोगे? किसान ने सोचा, ये बैल मैंने 1500 रुपये में खरीदा है, अगर ये मुझे इससे ज़्यादा कीमत दे देते हैं तो मैं इस बैल को बेचकर इससे भी अच्छा बैल खरीद लूँगा। तब उस किसान ने उन लड़कों को उस बैल की कीमत 2000 रुपये बताई। लड़के बोले, बैल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, क्यों ना किसी समझदार इंसान को पंच बनाकर उसी से इसका फैसला करा लें। आप और हम ये वचन लेते हैं कि जो भी पंच का फैसला होगा वही हमको मंजूर होगा। किसान ने कुछ सोचकर उनको वचन दे दिया कि ठीक है, मैं मंजूर हूँ। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा इंसान उस रास्ते से गुजरा। सभी लोगों ने उसे पंच बनाने का फैसला किया। किसान भी इस बात के लिए मान गया। वास्तव में वो चारों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और वो ठग पिता कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा इंसान ही था। उन्होंने अपने ही पिता को पंच बना डाला। पिता ने बैल की कीमत 500 रुपये तय की। वचन में बंधे उस किसान को अपना बैल 500 रुपये में उन्हें बेचना पड़ा, लेकिन वो समझ गया कि उसे किसी तरीके से ठगा जा रहा है। अगले दिन वो किसान एक सुंदर सी लड़की का वेश बनाकर उन चारों लड़कों के पास आया और बोला कि मुझे तुम चारों में से किसी एक से शादी करनी है। चारों इस बात के लिए मान गए और आपस में लड़ने लगे कि मुझे उससे शादी करनी है। लड़की बना हुआ किसान बोला कि मेरी एक शर्त है, जो भी मुझे बनारसी साड़ी लाके देगा मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर चारों ही शहर की ओर दौड़ गए। उनके जाने के बाद उस किसान ने उनके पिता को खूब पीटा। जब तक वो लोग वापस आए तब तक किसान वहाँ से चला गया था। तब वो अपने मन को कसोटते ही रह गए और ना ही उनको उस किसान का घर मालूम था जो कि वो उससे बदला लेने जाते। अगले दिन वो किसान फिर से एक वैद्य का भेष बनाकर उनके घर पहुँचा और उनके पिता का इलाज करने के लिए उसने चारों भाइयों को चार अलग अलग जगह से जड़ी बूटियाँ लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही चारों भाई फिर से जड़ी बूटियां लेने अलग अलग जगह पर गए, उसने फिर से उनके पिता को खूब पीटा। जब चारों भाई घर आए तो उन्होंने पिता की इतनी बुरी हालत देखी, तब उन्होंने प्रण ले लिया कि वो आज के बाद किसी को भी नहीं ठकेंगे। और इस तरीके से उस गरीब किसान ने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से उन चारों ठगों को एक अच्छा इंसान बना दिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कर्म का फल हमेशा ही बुरा होता है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।